Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working at G.V. Pant Agriculture University in Uttarakhand, and I am faculty in this university since 2006, and I am teaching UG, PG and PhD courses in Department of Agronomy, and I am here only to convey the message that how to utilize this period when you are at home and all the colleges are closed. और ये जो इस समय का जो पीरियड चल रहा है बहुत पूरे विश्व के लिए एक संकट का समय है, हमारे देश के लिए भी संकट का काल चल रहा है. ऐसे समय में सब जब बंद है तो हम अपने को सबसे पहले तो हमें अपने को सुरक्षित रखना है घर पे, और हमें अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है क्योंकि फ्यूचर में इसका बहुत काम आने वाला है. इसी को देखते हुए ये मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम आने वाले एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें. तो इसके लिए चूँकि हमारे कॉलेज बंद हैं, स्टूडेंट्स के पास इस समय बुक्स नहीं हैं, जो भी उनकी अवेलेबिलिटी है वो केवल मीडिया है, और इंटरनेट की फैसिलिटी अगर उनके पास अवेलेबल है तो वो उससे पढ़ सकते हैं. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनके पास कंटिन्यूस इंटरनेट नहीं है या इंटरनेट बहुत इंटरप्टेड होके आता है. तो ऐसे टाइम पे जब हमारे पास ऐसा लग रहा है कि अभी कॉलेज खुलने में भी टाइम है, तो हम कैसे अपनी स्टडी को जारी रखें. तो पहले तो मेरा ये मैसेज है कि आप अपने घर पे सभी सुरक्षित रहें और इस कोरोना बीमारी से बचे रहें, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे. इसके बाद मेरा जो मुख्य विषय है कि हम एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चाहे हमारे सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो, इस टाइम में हम कैसे उनको करें. तो अभी जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स बीएससी एजी में हैं, दे वांट टू एडमिशन इन पीजी, तो उसके लिए वो पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे. तो फोर्थ ईयर के लिए दिस टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर भी टाइम है, लेकिन फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स बहुत क्रिटिकल स्टेज में हैं क्योंकि अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं हुआ है और डेट एक्सटेंड हो रही है. तो ऐसे समय में हमको ये टाइम एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और हमें अपना जो कंसंट्रेशन है उस पर फोकस करना चाहिए. तो अगर हम एमएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, देर आर टू वे. फर्स्ट, ऑल यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर ओन एग्जामिनेशन. तो इन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पेपर दे के हम एडमिशन ले सकते हैं. एंड सेकेंड वे इज़ ICR एग्जामिनेशन. ICR का पीजी का जो एग्जामिनेशन होता है उसके फॉर्म भर के भी आप एडमिशन ले सकते हैं. एंड देयर आर 25% सीट्स इन द यूनिवर्सिटी. तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 25% सीट्स एग्रीकल्चर की ICR के थ्रू फिल होती हैं. और अभी जो ये पीरियड हुआ है इसमें 31 मई तक डेट एक्सटेंड हो गई है. जिन स्टूडेंट्स ने पहले फॉर्म नहीं भरा था वे इस फॉर्म को भर लें, अभी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस है. अब अगर हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो वी हैव टू स्टडी ऑल द डिसिप्लिन. हमें सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ती है, एग्रोनॉमी हो, सॉइल साइंस, एंटमोलॉजी, पैथोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमें किसी एक डिसिप्लिन में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज यह है कि वो सभी डिसिप्लिन को ध्यान दें और प्रॉपरली उसमें अटेंशन करें. लेकिन जो स्टूडेंट्स ICR का जिन्होंने एग्जामिनेशन देना है, दे ऑप्टेड ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उन्होंने पहले से एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लिया होगा और उसी की तैयारी कर रहे होंगे और उन्हीं पर उन्हें फोकस करना है. तो आज मैं बात करूंगा एग्रोनॉमी की, क्योंकि मैं एग्रोनॉमी में हूं, एग्रोनॉमी की कोर्सेज पढ़ाता हूं, एग्रोनॉमी की रिसर्च में हूं. तो मेरा जो फोकस है, जो मेन है बात, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ICR PG एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के लिए. लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी लाभ होगा, बेनिफिशियल है, हु आर परसुइंग BSc AG, क्योंकि जो एग्रोनॉमी है वो सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में है. एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्टडी एग्रोनॉमी कोर्स एंड देयर आर ए नंबर ऑफ एग्रोनॉमी कोर्स इन BSc AG प्रोग्राम. तो हम जब एग्रोनॉमी को जब पढ़ते हैं तो उसमें सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है. तो जो मैं ये बात करने जा रहा हूँ इसमें ना केवल ICR PG स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, बल्कि जो BSc AG कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा. सेकेंडली, जो MSc AG एग्रोनॉमी में हैं और PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्रोनॉमी की लेक्चर से उनको भी
डेफिनेटली लाभ होगा। तो ये जो लेक्चर्स की मैं एक सीरीज लाना चाहता हूँ एग्रोनॉमी की, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा अगर वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ICRPG एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका पैटर्न कुछ बदल गया है पिछले साल से, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, एंड 2018 तक ये ICR कंडक्ट करा रहा था, लेकिन 2009 एंड ऑनवर्ड ये NTA कंडक्ट कर रहा है। तो जो NTA की जो गाइडलाइन है वो हमको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस को हमें देखना है, और पेपर में भी कुछ चेंजेस आए हैं। 2018 और 2019 के पेपर को हम क्रिटिकल एनालाइज करें तो हमें कुछ चीज़ें उसमें नज़र आती हैं। तो इसका भी मैंने क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि 2018 में एग्रोनॉमी के पेपर में क्या क्वेश्चंस थे, किस सेक्शन से ज़्यादा पूछा गया था, और 2019 में किस किस सेक्शन से ज़्यादा पूछा गया। तो इसका एक मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि किस सेक्शन से किस कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए अलग से। दूसरा, मैंने एग्रोनॉमी के जो PG एंट्रेंस के एग्जामिनेशन होते हैं उसका करीब 97 से कंपाइल कर रखा है अब तक, 2019 तक का मेरे पास सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, सेक्शन वाइज मैंने उसे कंपाइल किया है। ये सब स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने किया है ताकि स्टूडेंट्स जान सकें कि क्या क्या क्वेश्चन अब तक आते रहे हैं और हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, सिलेबस हमें सही ढंग से देखना है और फोकस करना है। सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें हाई फोकस करने की ज़रूरत होती है, कुछ में हमें मॉडरेट फोकस करना होता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा टाइम डिवोशन ज़्यादा होता है लेकिन क्वेश्चंस के मार्क्स कम होते हैं, क्वेश्चन कम आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का फोकस हमें कम करना चाहिए। तो तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, हाई फोकस, मीडियम फोकस, लो फोकस। इसका मेरे पास पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर लाऊंगा कि कैसे हमें किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। तो अभी जो मेरा प्लान है, जो मेरी प्लानिंग चल रही है वो यह है कि हमारे कॉलेजेस बंद हैं, टीचिंग होनी रही है, तो इस टाइम को हम बच्चों के कोर्सेज के लिए यूटिलाइज़ करें और एग्रोनॉमी का जितना पार्ट कवर हो सकता है उसको कवर किया जाए। तो इसके लिए मैंने जो बेस लाइन अपना, ये जो बेस मटेरियल तैयार किया है वो ICR GRF ये जो PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस को मैं लेके पहले चलूँगा, इसके सेक्शन वाइज की मैं आपको लेक्चर्स दूंगा। और इन लेक्चर्स के साथ आपको रीजनिंग के साथ इसका एक्सप्लेनेशन होगा। रीजनिंग जब हमारी अच्छी होती है तो हमें आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और उन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है। और रीजन के साथ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो हमारे एनालिटिकल पार्ट को बहुत अच्छा कर देते हैं, एंड दिस एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च एंड टीचिंग। तो अगर हमारा एनालिसिस अच्छा है तो हम इसको बहुत अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि ना केवल हमें MSc में एडमिशन लेना है बल्कि MSc करने के बाद हमें किसी अच्छे जॉब में भी जाना होगा, या फिर हम PhD अगर करना चाहते हैं तो हमें रिसर्च फील्ड में भी जाना होगा। तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती कि हम केवल MSc में एडमिशन ले लें, ICR में हमारा एडमिशन हो जाए और हमारा काम ख़त्म। ऐसी सोच अगर हम चलेंगे तो हम आगे फ्यूचर में सक्सेस नहीं ले सकते। तो हमको जो भी मैटर पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, उसको बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ और रीजनिंग के साथ पढ़ना है। क्योंकि अगर आपका रीजनिंग अच्छा है, आप उसके साइंटिफिक फैक्ट्स जानते हैं, तो आपको किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब हम फैक्ट्स को रटते हैं, उसको समझते नहीं हैं। जो लिखा है, जो किताब में लिखा है, उसको हमने सच पढ़ लिया और एग्जामिनेशन में जाके उसको उतार दिया। यहाँ प्रॉब्लम है इस चीज़ में। इसमें हो सकता है ऐसा करने से आपको शॉर्ट टर्म एडवांटेज मिल सकता है, आपको कहीं एडमिशन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी फेल है। हमको हमेशा किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी साइंटिफिक करनी चाहिए, उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स होने चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होती है स्टूडेंट्स के साथ कि मैं उनको साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ उसका रीज़न दूँ, उसका बेस बताऊँ कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है। अभी उससे पहले मैंने कुछ अपने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए थे और ये लेक्चर्स बहुत डिटेल में थे, क्योंकि ये लेक्चर्स मैंने मिनरल न्यूट्रिशन और क्रॉप प्लांट एक कोर्स है उसके लिए मैंने ये लेक्चर बनाए थे, जो हमारे PhD के बच्चे हैं, एक्चुअली ये लेक्चर्स उनके लिए थे ताकि उसका एडवांटेज ले सकें। लेकिन आप उन लेक्चर्स के बीच में स्लाइड देखेंगे, स्लाइड फ्लो हो रही हैं, उन स्लाइड से आप नोट कर सकते हैं BSc AG के बच्चे। तो कुछ के लिए ये बहुत डिटेल्ड लेक्चर हो सकता है, डेफिनेटली ये डिटेल्ड लेक्चर है उनके लिए जो ARS के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, और उसके जो की पॉइंट्स हैं वो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जो लेक्चर्स करूँगा
वो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ही करूँगा, अभी मेरा फोकस इस पे है। उसके बाद अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं लेक्चर्स की सीरीज उसमें बढ़ाऊंगा। तो मेरा पहला ये है कि ICR एग्नोमी पीजी को फोकस किया जाए, उसके कंटेंट को पढ़ा जाए और बच्चों को समझाया जाए कि कैसे पढ़ना है। देखिए, सिलेबस का मैं एक पूरा अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्या सिलेबस में पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, इसका मेरे पास एक पूरा एनालिसिस है। हमको 100% सिलेबस तैयार नहीं करना है। मैं एक बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम 75-80% क्वेश्चन सिक्योर कर लेते हैं, हमारे आ जाते हैं, तो हमारा एडमिशन सिक्योर है जनरल कैटेगरी से। तो जब हमको 75% क्वेश्चन या 80% क्वेश्चन पे हम सिक्योर कर रहे हैं, तो हमें अपनी पूरी एनर्जी 100% पे नहीं लगानी चाहिए, मेरा ये अपना मानना है। और मैं ये स्ट्रेटजी बच्चों को बताना चाहूँगा कैसे हम इसको करेंगे, मैं इसका पूरा आपको एनालिसिस दूंगा। दूसरी बात यह है कि जो NTA ने जो एग्जामिनेशन शुरू किए हैं, जो कंडक्ट करवाने, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। देखिए, आपको ये चेंजेस जाना बहुत ज़रूरी है। पहले जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते थे 160 होते थे, लेकिन अब ध्यान से सुने आप इस बात को, इस बार क्वेश्चन 120 है। इसका मतलब कि 40 क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं और टाइम भी कम किया गया है। टाइम अब 2 आवर्स है, इसका मतलब कि हमको अब पर क्वेश्चन 1 मिनट मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास क्वेश्चंस कम हो रहे हैं और टाइम भी कम हो रहा है, लेकिन पर क्वेश्चन टाइम हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो एनालिटिकल पार्ट है, वो ज़्यादा आने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो कैसे अब हम कंसेप्ट को बढ़ाएं, हम चीज़ों को रटें नहीं, हम चीज़ों को समझें। इसी तरह से कुछ पार्ट ऐसा होता है, जैसे स्टैटिक्स है, ये पार्ट हमें टफ लगता है इकोनॉमिक बच्चों को, या न्यूमेरिकल्स है, ये भी हमें टफ लगते हैं। तो इसमें हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारा पूरा कवर करूँगा, स्टैटिक्स भी पूरी करूँगा और न्यूमेरिकल्स भी कैसे सॉल्व किया जाते हैं मैं आपको बताऊँगा। मेरी एक बुक है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स, ये बुक से ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक नहीं है वो बिल्कुल ना घबराएं, और जिनके पास है वो उसकी स्टडी करें। तो मैं स्टैटिक्स भी आपको सही तरीके से बताऊंगा कि कैसे हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इसको मैं इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो अगर आप मेरे ये वीडियो को लेक्चर्स की कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरी जो प्लानिंग है वो पहले कुछ सिलेबस की सीरीज़ करने की है। अभी मैं जो है सॉइल फर्टिलिटी की सीरीज़ पूरी करूंगा, सॉइल फर्टिलाइजर फर्टिलिटी की सीरीज़ पूरी करूंगा, उसके बाद मैं उसकी क्वेश्चन सीरीज़ करूंगा, उसका दूसरा टॉपिक लेंगे हम, उस दूसरे टॉपिक को पूरा पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड रीजनिंग के साथ, और मुझे लगता है कि शायद आप इसको एंजॉय करेंगे। तो जो मैं बताऊंगा आप उसको एंजॉय करने की कोशिश करें, उसे लर्न करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन बच्चों ने भी तैयारी करनी शुरू नहीं करी है और शायद अब उनको लग रहा है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, तो वो बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम होना था पहले 1 जून को होना था, लेकिन अब डेट चेंज हुई है और इसकी अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होना है, तो ये एक अंदाज लग रहा है कि ये एग्ज़ाम 26 जुलाई के बाद होगा। तो आज से हम देखते हैं तो कम से कम 2 महीने का टाइम हमारे पास है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या मैं 60 दिन में अपनी तैयारी कर सकता हूँ, क्या मेरे पे इतना टाइम कम तो नहीं पड़ेगा, मैंने अभी इसके बारे में सोचा है, तो क्या मैं पूरा कर लूँगा, क्या मेरी रैंक आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस 60 दिन अगर आप मन से लगाएं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी एक पढ़ने पढ़ाने की एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम 60 दिन के अंदर भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आप को जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ें और अपना टाइम डिवोट करें। देखिए, अभी कॉलेजेस बंद हैं, आपके पास पूरा टाइम है, तो आप अपने टाइम में 8 से 10 आवर की स्टडी कर सकते हैं। तो आप अपना इस टाइम को लगाइए, और कैसे पढ़ना है मैं आपको ये बताऊंगा, सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। जो अब तक के क्वेश्चंस आए हैं 97-98 से जो भी शुरू हुआ है, मेरे पे सारा कंपाइलेशन है, उस क्वेश्चन की भी मैंने एक पूरी सीरीज बना के आपको प्रैक्टिस सेट के लिए दूंगा, और कुछ नए क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके काम आएंगे। तो ये तो मेरी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ICR PG एग्रोनॉमी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। अब वो स्टूडेंट्स भी हैं BSc AG एंड PG स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट्स, जो इन लेक्चर से फ़ायदा ले सकते हैं।
देखिए, जब हम एग्रोनॉमी पढ़ते हैं तो हमारा सॉइल साइंस एस्पेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो बच्चे बीएससी एजी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इन लेक्चर से उनका सॉइल साइंस अच्छा हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, इन एग्रोनॉमी वी स्टडी अबाउट मेजर डिसीज, इंसेक्ट एंड डियर कंट्रोल। तो जब ये चीज़ों को हम कवर करते हैं तो हमारा पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी भी कवर हो जाता है। तो ये एक मेरा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि इन लेक्चर सीरीज को आप बिल्कुल ना छोड़ें, ये आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और मैंने पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आप इन वीडियो को पूरा देखिए, आपको रीजंस पता चलेंगे। जब आपकी रीजनिंग अच्छी होगी तो आपकी एक कॉन्सेप्ट बेस स्टार्ट होगा, उस कॉन्सेप्ट बेस से ही हमारी लॉजिकल रीजनिंग और हमें कोरिलेशन पता चलते हैं और हम बहुत अच्छी चीज़ों को परसीव करते हैं, बहुत अच्छा हमें समझ में आने लगता है। देखिए, पूरा जो स्टडी का जो होना चाहिए वो उसका साइंटिफिक बेस होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ी, लेकिन उसका साइंटिफिक बेस क्या है, उसके पीछे वो चीज़ क्यों हो रही है, हाउ, वाई, ये क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप अच्छा पढ़ रहे हैं। और आपने किताब में पढ़ा, बुक से देखा और सिर्फ आपने उसको ले लिया, तो इसके मतलब आपकी स्टडी बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। तो स्टडी का एक अपना तरीका होता है, उस पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है। अगर हमको हम ये सोचें कि हमारा ICRPG में एग्जामिनेशन हमारा नहीं हुआ, कोई फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दूसरे तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली आप विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह होगा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा अपनी लाइफ में, मैं 2006 से हूँ यूनिवर्सिटी में, बहुत स्टूडेंट्स हमारे साथ रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने मेहनत की हो और वो उनको सक्सेस ना मिली हो, ऐसा चांस बहुत कम हुआ है। तो आप बिल्कुल मेहनत करें और बिल्कुल ना घबराएं, और इस बात को ध्यान रखें कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है। इस समय जब देश और विश्व संकट से जूझ रहा है तो हमको बचाने सिर्फ कृषि आ रही है, हम एग्रीकल्चर से ही बच सकते हैं, इंडस्ट्रीज बंद हैं, सब जगह बंद हैं, तो आगे जो पूरा जो स्कोप है वो एग्रीकल्चर का है। और अभी आप देखेंगे पिछले कई सालों से एग्रीकल्चर कॉलेजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, उसका कारण यही है कि एग्रीकल्चर अब आगे बढ़ रही है। तो ये एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम एग्रीकल्चर में आगे बढ़ें, एक अच्छे रिसर्चर बने या साइंटिस्ट बने या एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी जॉब में जाएं। तो ये मेरा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि वो बिल्कुल ना घबराएं और अपना एक शेड्यूल बनाएं पढ़ाई का। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि पढ़ने की एक स्ट्रेटजी है, पहले लर्न, आप उस चीज़ को पढ़िए, सीखिए वो चीज़ क्या है। रीड नहीं करना है हमने कि जो किताब में लिखा वो हमने पढ़ लिया और उसको हमने रट लिया, नो, ये गलत तरीका है। लर्न, सीखें कि ये क्यों है, क्या है, वाई, वाट, वेयर, इस तरह के हमारे क्वेश्चन आने चाहिए। अगर हमने एक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमने पढ़ा कि गेहूं का सीड रेट, वीट सीड रेट इज 100 kg पर हेक्टर, तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 100 kg ही क्यों है, मेज का तो 20 kg पर हेक्टर है, 25 kg पर हेक्टर है, तो इसका सीड रेट कम क्यों है। जब हम इसका रीज़न जान लेते हैं तो हम और डेप्थ में जाते हैं, तब हमारी जो बेस है वो क्लियर होता है। तो पहला जो पॉइंट है, नोट कर लें आप, लर्न, रीड नहीं करना है हमें, लर्न करना है, सीखना है वो चीज़ क्यों हो रही है। सेकंड पॉइंट इज रिवीजन, हम उसको मेमोराइज करना है, उसको हमें अपने दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है उसको, और वो कब होगा, जब रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, मेमोराइज करेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिटेंशन, हम कितने दिनों तक उस चीज़ को अपने दिमाग में कैरी कर पाते हैं। मान लीजिए कि आज मैं क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ और वीट क्रॉप पढ़ रहा हूँ और मैं 3 दिन तक पढ़ता हूँ, तो डेफिनेटली वो 3 दिन तक वीट से सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हुई मेरे दिमाग में घूमेंगी। लेकिन अगर मैं 15-20 दिन बाद देखूँ तो मुझे दिमाग में कितनी चीज़ें रह जाती हैं, मुझे लगेगा कि शायद 10 या 20%। रीज़न ये है कि हमारी रिटेंशन कैपेसिटी कम है, हमें रिटेंशन करना पड़ेगा, उन चीज़ों को रखना पड़ेगा। तो इसके लिए रिटेंशन की हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भी यही है, टाइम टू टाइम मेमोराइज करें, उसको छोड़ें नहीं, उसका एनालिसिस करें। जिनका एनालिसिस अच्छा होगा उनका रिटेंशन भी अच्छा होगा, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जब हमारा रिटेंशन अच्छा हो जाएगा तो हम एग्जामिनेशन में उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम सॉइल फर्टिलिटी पढ़ते हैं, मान लीजिए 3 दिन तक पढ़ रहे हैं, 4 दिन तक पढ़ रहे हैं, 5 दिन तक पढ़ रहे हैं, तो हम केवल सॉइल फर्टिलिटी पढ़ रहे हैं। अब इन 5, 6, 7 दिनों में कोई भी हमसे फर्टिलिटी का क्वेश्चन पूछेगा, हम बड़े कॉन्फिडेंट होंगे, बता देंगे कि इसका आंसर ये है, हमारे पास एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है, क्योंकि हमने 6-7 दिन उसको पढ़ा है और सारा जान भी लिया है। अब उसके बाद अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ें तो हम मेज, वीट, शुगर केन जो पढ़ा है उसके बारे में बता देंगे, क्योंकि वो हमने उसमें पढ़ रखा है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन देते हैं, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन,
हमको क्रॉप प्रोडक्शन का क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करना है, हमें फर्टिलिटी का भी करना है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी करना है, वीड मैनेजमेंट भी अटैम्प्ट करना है, वाटर मैनेजमेंट भी अटैम्प्ट करना है, लैंड यूज सिस्टम क्या है वो भी अटैम्प्ट करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम क्या है ये भी अटैम्प्ट करना है। तो सारी चीज़ें हमें उस 2-2.5 घंटे में ही अटैम्प्ट करनी है जो एग्जामिनेशन का टाइम है। तब सोचिए, अभी तो आपकी प्रैक्टिस थी कि एक चैप्टर आपने तैयार किया उसको आपने कर लिया, अब क्या है सिचुएशन उल्टी हो गई, आपको सारी चीज़ें एक ही टाइम पे देनी है, तो वो क्या होता है हमसे गलती हो जाती है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिटेंशन बढ़ाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन पॉइंट्स को आप याद करिए, लर्न करना है, रिवीजन मेमोराइज करना है और अपना माइंड का रिटेंशन पावर बढ़ाना है। तो इसी चीज़ों को आप फॉलो करें, तो अगले टाइम पे जो मैं अपना वीडियो लाऊंगा जो आपको पहले बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, हमें किन किन क्वेश्चंस किस किस पार्ट को छोड़ना है, किसको ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। 2018 और 19 में जो क्वेश्चंस आए थे 2018-19 क्या डिफरेंस था उसमें, मैंने उसका बहुत डीप एनालिसिस किया है, मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। उसके बाद हमारी पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी होगी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम 60 डेज का हम टारगेट लेके चलते हैं कि वी अज्यूम दैट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड 60 डेज। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि डेट थोड़ी अब आगे जा सकती है, 60 डेज के बाद भी हो सकता है जैसी सिचुएशन है, लेकिन हम फिर भी ये एज्यूम करें कि 60 डेज में होगा। तो हम 60 डेज का पूरा एक प्रिपरेशन कैप्सूल लेके इसकी तैयारी करेंगे। तो इसमें आपको लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है, उनको नोट करना है और अपने सभी फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताना है, क्योंकि जब हमारा कंपटीशन हेल्दी होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सोचें कि हमको पता चले दूसरों को ना पता चले, तो ऐसे में हमें सरस्वती नहीं आती, अगर आती भी है सरस्वती तो वो हमको अच्छे परिणाम नहीं देती। तो मेरा स्टूडेंट्स के साथ एक ये भी संदेश है कि अपनी सरस्वती के साथ कभी भी धोखा ना करें। आपके माँ बाप आपके साथ बहुत भावनाएं रखते हैं, बहुत इच्छाएं रखते हैं, तो उसके साथ आप उनका पूरा सम्मान दें। और चूँकि हम एक छात्र अगर जीवन में जी रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक लक्ष्य होता है, वह है हमारा पढ़ाई करना और माँ बाप को सुखी रखना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और इस लॉकडाउन पीरियड में बिल्कुल भी ना घबराएं। और मैं अगली बार जब आऊँगा तो पूरा एनालिसिस लेके आऊँगा और फिर हम जो है सेक्शन वाइज अपने इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। और ये लेक्चर्स स्पेशली ICR PG के लिए तो हैं ही, लेकिन जो हमारे BCAG स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्सेज में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम सॉइल फर्टिलिटी के कोर्स, फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोडक्शन और कई कोर्स पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके लिए हेल्पफुल है, एंड वो स्टूडेंट्स भी बेनिफिट होंगे, उनको भी होगा जो MSc में, क्योंकि वो आगे सर्विसेज के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सुनने के लिए टाइम दिया, और अगली बार हम पूरे एनालिसिस के साथ आएंगे। धन्यवाद।